फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ नए टिप्स लेके आई हूं। चाहे हम कितना भी बाहर का खाना खा लें, पर जब तक घर की बनी दाल रोटी और सब्जी नहीं मिलती, तब तक ना तो पेट भरता है और ना ही मन। घर के खाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है रोटी। रोटी बनाना बेहद आसान है, पर इसे बनाते वक्त कई छोटी सी लापरवाही आपकी रोटियों को पापड़ में तब्दील कर सकती हैं। इसके लिए आपको रोटी बनाते वक्त कई बातों का खास ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको एकदम सॉफ्ट रोटी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ आसान से टिप्स लेके आई हूँ। उन्हें ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो नंबर एक, जब आप आटा गूंद रहे हैं तो उसे छानकर उसमें पहले एक छोटा चम्मच घी मिलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम रोटी या पराठे पर घी लगाते हैं तो वह सॉफ्ट हो जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। इसलिए अपने आटे में सबसे पहले घी मिलाएं और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करें। घी को डालकर आटे को अच्छी तरीके से मसलें। इससे रोटी मुलायम बनेगी और इसे बनाने में कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। नंबर दो, रोटी के लिए आटा गूंदने के बाद तुरंत ही रोटी ना बनाने लगें। आटा लगाने के बाद उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही ढक के रख दें। ऐसा करने से आपकी रोटी मुलायम बनेगी। नंबर तीन, अगर आपको रोटी सॉफ्ट बनानी है तो आटा गूंदते हुए दूध जरूर मिलाएं। आटा गूंदते समय दूध को थोड़ा सा गुनगुना कर लें और इसके बाद धीरे धीरे इसे आटे में डालकर आटे को अच्छी तरीके से मसलें। अगर रोटी पराठा या पूरी आपको सॉफ्ट बनानी हो तो उसके लिए गुनगुना दूध सबसे अच्छी तरह काम करता है। नंबर चार, आटा गूंदते समय उसमें चुटकी भर नमक ज़रूर डालें। नमक डालने से आपकी रोटी में एक स्वाद आता है। इसके बाद अपने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लें। ध्यान रखें कि आपका आटा बहुत ज़्यादा टाइट और ढीला ना हो। इसे उंगली से पंच करके देखें और अगर टाइट लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे थोड़ा और गूंद लें। इसके बाद ज़रूरी है कि आप अपने आटे को कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर ज़रूर रखें। नंबर पाँच, रोटी बनाते वक्त कभी भी टाइट हाथ ना चलाएं। रोटी बनाते वक्त हल्के हाथ चलाएं। नरम रोटी बनाने के लिए बस आटे की लोई बनाकर उसे हल्के हाथों से बेलें। नंबर छः, रोटी बनाते समय कई लोग सूखा आटा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चिपके नहीं, पर अगर आप सूखे आटे का इस्तेमाल कम करेंगी तो आपकी रोटी परफेक्ट बनेगी। नंबर सात, यदि रोटी सेकने पर आपकी रोटियां काली हो जाती हैं तो इसके लिए आपको रोटी पे लगा एक्स्ट्रा सूखा आटा झाड़ दें। ध्यान दें कि रोटी ज़्यादा देर पहले बेलकर चकले पे ना रखी हो, क्योंकि जितनी हवा आटे पे लगेगी वह उतनी ही काली होगी। नंबर आठ, इसके अलावा आप हल्के पानी से भी आटा गूंद सकते हैं और इस आटे से बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, अतः आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। नंबर नौ, यदि आप घर पर पनीर बनाती हैं तो इसके निकले हुए पानी का बेहतर प्रयोग कर सकती हैं। मुलायम रोटी बनाने के लिए आप पनीर से निकले हुए पानी से आटा गूंद सकती हैं। ऐसा करने से भी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। नंबर दस, पराठे का आटा गूंदते समय उसमें एक छोटा चम्मच के करीब बटर डाल दें। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंदें। इससे आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। नंबर ग्यारह, अगर कचौरी का आटा गूंद रहे हैं तो आटा गूंदते समय उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दें। ऐसा करने से कचौरी फूली फूली बनके तैयार होगी। नंबर बारह, रोटी को लंबे समय तक नरम रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे सही मात्रा में पानी के साथ गूंदा जाए। इसके साथ ही पानी को मिलाने से पहले आटे को छन्नी से छान लें। इससे आटे का मोटा और दरदरा हिस्सा अलग हो जाता है
और रोटियां मुलायम बनती हैं। तो आज मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरी बताई गई रेसिपी भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर मेरे बताए टिप्स आपको पसंद आए हों तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए आसान से टिप्स लाती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा उत्साह बढ़ेगा। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।